हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जिससे आप अपने वजाइना के रंग को गोरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हर महिला को, हर लड़की अपने चेहरे के रंग को गोरा करने की इच्छा होती है, इसी तरह आज के दौर में सभी औरतें या लड़कियां अपने वजाइना के रंग को भी स्किन टोन जैसा बनाना चाहती हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि आपके बॉडी का रंग अलग होता है और आपके वजाइना का कलर अलग हो जाता है। इसके कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि या फिर तंग कपड़े पहनना, रिमूवल क्रीम का यूज करना, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे वजाइना यानी कि गुप्त अंग का रंग काला पड़ता चला जाता है। ये एक नाजुक यानी कि सेंसिटिव स्किन होती है जिसके ऊपर आप कुछ भी ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी अप्लाई करने से वहाँ पर संक्रमण का खतरा तेजी से बन जाता है। तो आज मैं आपको एक इजी नुस्खा बताऊंगी, आप अपने वजाइना के रंग को स्किन टोन जैसा बना सकते हैं। तो सबसे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है कुकुम्बर और दूसरा आपको लेना है टोमेटो। अगर आप इन दोनों का यूज अपने वजाइना वाले यानी कि डार्क एरिया पर करेंगे तो यकीन माने इसकी वजह से आपके वजाइना का रंग आपकी बॉडी पार्ट के जैसा हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि उनकी बॉडी का रंग इक्वल दिखे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स कुकुम्बर को थोड़ा सा कट कर लेना होगा, ऊपर का हिस्सा आपको कट कर लेना है। इस तरह से आपको कुकुम्बर का हिस्सा कट कर लेना है और आपको टोमेटो को भी दो हिस्से कर लेने होंगे। सबसे पहले मैं टोमेटो को कद्दूकस कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इतनी मात्रा में आपको कुकुम्बर को भी कद्दूकस कर लेना है। अब आपको लेना है एक क्लीन बाउल और चाय छलनी की सहायता से आप इसके रस को निकाल लीजिएगा। इस तरह से आपके पास इन दोनों का रस निकलकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा टर्मरिक पाउडर। फ्रेंड्स, आपको टर्मरिक की एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें अपनी किचन वाली टर्मरिक पाउडर ऐड नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स टर्मरिक पाउडर जो हम किचन में यूज करते हैं उसमें गलती से नमक या मिर्ची वाले हाथ या हल्का फुल्का मिर्ची लग ही जाती है, यानी कि डल जाती है। अगर आप इसे अपनी सेंसिटिव जगह यानी कि वजाइना वाली जगह पर लगाएंगे तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके यूज से आपको वहाँ पे किसी तरह की एलर्जी हो सकती है या फिर कोई आपको रोग यानी कि बीमारी भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर लेनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी का यूज करना होगा और इसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में टर्मरिक पाउडर, देखिए फ्रेंड्स दो चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर लिया है, आपको इसमें दो चुटकी के बराबर टर्मरिक पाउडर ऐड करना होगा। इसके बाद आप इसे मिक्स कीजिएगा। देखिए गाइस, हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको इसका रोजाना दो बार यूज करना होगा, एक मॉर्निंग में और एक रात को। यूज किस तरह से करना है, एक बिल्कुल साफ सुथरी कॉटन आपको लेनी है और कॉटन की सहायता से आप इसे अपनी वजाइना यानी कि काले एरिया पर लगाइए और उसकी मसाज कीजिए मात्र 5 मिनट के लिए। मात्र 5 मिनट की आपको मसाज करनी है और उसके बाद आप उस एरिया को पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सेंसिटिव जगह होती है, आपको दो बार इसका यूज करना है और लगातार 1 वीक तक यूज कीजिएगा। अगर आपका बहुत ही ज्यादा एरिया काला हो चुका है तो 1 वीक में ही आपका वहाँ का कालापन हमेशा के लिए दूर
हो जाएगा और आपका स्किन टोन चेहरे के स्किन टोन के इक्वल हो जाएगा। आज के दौर में हर कोई अपने वजाइना के रंग को लेकर बहुत परेशान है, तो आप इस इजी रेमेडीज का यूज कीजिए और अपने वजाइना के रंग को गोरा कर लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आपको अपने सेंसिटिव जगह पर कोलगेट का, नमक का या फिर बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप सेंसिटिव जगह को डैमेज कर सकते हैं, किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी भी शादी होने वाली है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर किसी वजह से आपको अपनी वजाइना के रंग को गोरा करना है, तो इस रेमेडीज का एक बार जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आप इससे जुड़ी कुछ बातों को जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।